हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इन सभी बारिशों में अच्छे से अपना केयर करिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि प्रतिदिन आलता का जो रंग है, महावर का रंग है, वो कैसे कैसे निकलता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं दिखाई थी कि आलता का जो रंग है वो धीरे धीरे निकलने के बाद कैसा लगता है। लेकिन ये जो मैं अभी पैर में लगाई हूँ वो है मेरा महावर। तो महावर जैसे जैसे निकलता है तो कैसा दिखता है, तो आज के वीडियो में आप वही देखोगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसी तरह मैं 6 डेज़ का ही बना पाई हूँ, ज़्यादा दिन का मैं नहीं बना पाई हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन तो आपने लाइव देखा ही था, लाइव क्लास में। और अगर आपने ये वाला डिज़ाइन मेरा लाइव क्लास में नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी सी डिज़ाइन लगाते हुए ऑल टू ऑल जो भी है लाइव में मैं दिखा चुकी हूँ। तो ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और ये जो फ्रेंड्स महावर है, तो इसको महावर बोलते हैं। जब मैंने इसको पानी में धुला तो ये कलर जो है वो अभी तो रेड है, लेकिन उसके बाद ये कलर हो जाता है ऑरेंज। तो ये कलर जो है जब छूटेगा तो ऑरेंज कलर में दिखेगा। तो मेरी एड़ियों का भी आप देख सकते हैं, इतना दूर मैंने रंगा है महावर। तो देख सकते हैं कि मैंने बेसिक लाइन और डिज़ाइन भी बनाया है। तो जैसे जैसे रंग निकलता है वैसे वैसे जो कलर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ऑरेंज कलर में आ जाता है। तो ये वाला जो महावर है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि ये जो महावर है वो पाउडर फॉर्म में होता है और उसको घोल के, पानी डाल के मैं घोलती हूँ, उसके बाद मैं डिज़ाइन लगाती हूँ। जो भी लगाना रहता है डिज़ाइन या सिंपल बेसिक चीज़, तो पानी डाल के घोलना पड़ता है फ्रेंड्स। और ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, जिसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देखे हैं। तो ये जो डिज़ाइन है वो मैं महावर से लगाई हूँ। और जब ऑरेंज कलर हो जाता है तो पैर का खूबसूरती ही अलग होता है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि मैं जो लगाती हूँ वो रंग जो है जब छूटता है तो ऑरेंज कलर हो जाता है। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रंग लगाए लाल और हो जाए वो ऑरेंज। तो बोलती है कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने बोला था कि ठीक है मुझे भी दीजिएगा, तो उन्होंने ही मुझे दिया था। और मैं सच में देखी थी जब अपने पैरों में फर्स्ट टाइम महावर लगाई थी, उसका वीडियो भी मैं शुरू डाली हूँ आलता क्लास में। तो उसका मैंने नाम महावर ही दिया है, आलता नहीं दिया है। तो आप महावर वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, शायद यही 1-2 महीने के बीच में ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने उसको महावर टाइटल दिया है, मैं उसमें आलता नहीं लिखी हूँ। और ये वाला भी महावर ही है। और इसमें जो मैंने पायल पहनी है वो चांदी की है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने, एक ने मुझे पूछा था कि ये आपने नई पायल पहनी है क्या, नई पायल ली है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने भाई दूज पे लिया था, लेकिन मैं पहन के और वीडियो बना के फिर खोल के रख देती थी। इधर बीच मैंने इसको निकाल दिया है और मैं कंटिन्यू इसे पहन रही हूँ, क्योंकि रखे रखे क्या होगा सब कुछ पहनना चाहिए। तो मैंने इसको पहनकर डेली यूज़ के लिए निकाल दिया है और मैं पहन भी रही हूँ। तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था लाइव ये वाला डिज़ाइन का, तो उसमें थोड़ा मेरा क्वालिटी कम आ रहा था वीडियो का, तो शायद आप लोग को उतना अच्छा से क्लियर डिज़ाइन और अच्छा पैर नहीं दिख रहा होगा। मैंने भी बाद में दूसरे मोबाइल से अपना लाइव वाला वीडियो देखा था, उतना साफ और क्लियर नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो महावर है उसको थोड़ा सा अच्छा सा एक वीडियो भी बना लिया जाए छोटा सा, और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से जैसा निकलता है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, यानी एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा है, 11 मिनट का है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि निकलने के बाद जब आलता निकलता है तो पैर कैसे दिखते हैं, तो इसी बेसिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर देती हूँ, और फिर भी मैं बोलती हूँ कि कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक दिन के लिए कमेंट सेक्शन खुला रखती हूँ,
और या तो मेरे में ऐसा सिस्टम हो गया है कि मैं उधर भी बहुत सारे कमेंट ऑफ कर देती थी, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो ऑटोमेटिक कमेंट जो है वो जब खुला ही रहता है, मैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, बंद भी नहीं करती हूँ, फिर भी कमेंट नहीं आते हैं, तो वो जो सारे कमेंट होते हैं वो मेरे पास आके YT स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो जो मेरे पास है एप्लीकेशन, तो उसमें आके सारे जो कमेंट हैं वो होल्ड हो जाते हैं, कुछ जो कमेंट हैं वो स्पम हो जाते हैं यानी छिप जाते हैं वो कमेंट। तो फ्रेंड्स ये मुझे बहुत अच्छा लगा आजकल, मैंने पहले नहीं ध्यान दिया था कि स्पम कमेंट क्या होता है और होल्ड कमेंट क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स अब मुझे ये चीज़ ठीक लगता है कि जो कमेंट सेक्शन है वो मैं बंद नहीं करती हूँ, लेकिन कमेंट्स जो हैं वो होल्ड हो जाते हैं, तो उसमें से जो मुझे ठीक लगता है कमेंट उसको ही मैं शो करती हूँ और जो मुझे ठीक नहीं लगता है उसको मैं शो नहीं करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट करिए, लेकिन जिन लोगों को कमेंट अच्छे लगेंगे मुझे गुड यानी बहुत ही सलीके से जो कमेंट आया होगा उसी को मैं ऊपर लाऊंगी, और नहीं तो वो सारे कमेंट होल्ड रहेंगे। मैं तो कमेंट देख लेती हूँ, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं समय के साथ जैसे ही मौका मिलता है या मैं वीडियो बनाने में सक्षम हूँ उस प्रकार की, तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और जिन लोगों का रिक्वेस्ट नहीं पूरा हुआ है तो कुछ मेरे में ही कमी है, जैसे मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ तो इसलिए वो कमेंट नहीं आ रहे फ्रेंड्स, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मेरे वीडियो को एंजॉय करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा था वीडियो, कैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय माय वीडियो।